सच। वेब सीरीज पंचायत अपनी सादगी से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही है। इसका पहला सीजन लोगों ने खूब पसंद किया था। अब इसके दूसरे सीजन की भी तारीफों का शोर हर तरफ सुनाई दे रहा है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है और ये सीरीज उन्हीं गांवों की खुशबू लिए अपने मज़ेदार कंटेंट से आपको उसकी सैर करवाती है। पंचायत में गांव के प्रधान का किरदार निभा रहे रघुवीर यादव जबलपुर में जन्मे हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। अपने कई इंटरव्यूज में रघुवीर यादव जबलपुर की बात करते दिखाई दिए हैं। अभी हाल ही में पंचायत सीजन 2 के प्रमोशन के दौरान मीडिया इंटरेक्शन में उन्होंने शहर से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि वो जबलपुर के आधारताल इलाके में रहते थे और वहाँ एक तालाब था जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ बैठा करते थे। उसी समय एक पापड़ वाला बड़े ही अलग अंदाज में पापड़ बेचने निकलता था। उस समय उनकी उम्र महज 2.5 साल थी। पापड़ वाला जिस तरीके से गाना गाते हुए पापड़ बेचता था, उसके उस लहजे को उन्होंने अपने अंदर लाने की कोशिश की और उस पापड़ वाले को ही अपना उस्ताद बना लिया। आप अपने इन फनों का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी? मौका मिलता है तो कर देता हूँ। और क्या है कि म्यूज़िक तो एक्चुअली मैं म्यूज़िक के वजह से ही एक्टर बना हुआ हूँ। मैं सीखना म्यूज़िक ही चाहता था और ये समझिए कि एक्टिंग गले पड़ गई तो बस म्यूज़िक का सहारा लेके मैं एक्टिंग करते चला जाता हूँ। तो ये जो एक्टिंग ही कर रहा हूँ, आप पूछिए सेट पे। यार रोज़ सुबह सर फ्लूट बजाते थे, पहुँचते ही सेट पे फ्लूट चालू हो जाता था उनका। फ्लूट और बांसुरी अलग अलग तरह की ये बना के भी रखते हैं और बनाते भी हैं घर पे भी, तो वो सारी चीज़ें स्टार्ट ही वैसे होता था सेट पे अपनी वैन में बैठ के। एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो पहला जो मेरे अंदर ये म्यूज़िक का या ज़िंदगी जीने का सलीका या ये सब कहाँ से आया, मैं एक छोटे से गांव से मेरा ताल्लुक़ है और हम आधारताल, वो जगह जबलपुर में है एक आधारताल, वहीं पे तालाब के किनारे एक टीला है, टीला पे एक मकान था और मैं 2.5-3 साल का रहा होऊंगा और दूर से एक पापड़ वाला निकलता था पापड़ बेचते हुए और वो सिर्फ एक घर के लिए पापड़ के लिए आवाज़ लगाता था पापड़ बेचने की, तो सिर्फ हमारे घर था तो दूर से आवाज़ लगाता था, मोम का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मोम का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। वाह वाह। तो बस ये था वो पापड़ वाला मेरा उस्ताद बन गया। फिर मैं दिन भर घर में पापड़ बेचता रहता था और तरह तरह से बेचता था कि मोम का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मोम का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मोम का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। तो ये सारी चीज़ें बचपन से लग गई, तो बस ऐसा लगता है कि बस इतना इस पूरी कायनात में इतना कुछ सीखने के लिए पड़ा है कि एक ज़िंदगी बड़ी छोटी सी लगती है। तो बस उसी रॉ में आके बस जो मिलता है सीखते रहता हूँ और ये कभी उम्मीद नहीं करता कि ये मुझे काम करना पड़ेगा या मुझे गाना पड़ेगा या मुझे गाना चाहिए या नहीं। अपना भैया सीख रहा हूँ, जिसको मर्जी हो अगर ज़रूरत पड़े तो गवा दो या जो भी करवाना है करवा लो, नहीं ज़रूरत है रहने दो, मुझे अपने ही खुश रहने दो, बस यही। शुक्रिया करते रहे। क्या सवाल था, शुक्रिया जीतू जी। सिर्फ सच।